फंदे से लटकाया गया। फांसी का फंदा एक था, गर्दनें दो थी, एक बाबा राम शरण दास की थी और एक मौलवी आमिर अली की थी। आज ये हिस्ट्री अगर आपको पढ़नी है तो अयोध्या में एक बहुत मशहूर जगह है जहां इमली का झाड़ वो आज भी मौजूद है, उसे कुबेर का टीला कहते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उस कुबेर के टीले के पास इस हिस्ट्री को लिखकर एक बोर्ड में लटकाया हुआ है। हरियाणा में एक जगह है हांसी, वहां की हिस्ट्री है कि यहां पर दो दोस्त रहा करते थे, एक का नाम था हुकुम चंद जैन और एक का नाम मुनीर बेग था। इस हिस्ट्री में लिखा है कि हुकुम चंद जैन और मुनीर बेग दोनों ने इतना डटकर अंग्रेजों का मुकाबला किया, इतना लोहा लिया कि नाभा, कपूरथला, कश्मीर और पटौदी राजाओं की मदद से पकड़कर इन्हें अंग्रेजों को सौंपा गया। अंग्रेज चाहते थे हांसी की लोग हमेशा के लिए डर जाएं, उनकी हिम्मतें टूट जाएं, तो ऐसी अनोखी सजा आपको इतिहास के किताबों में कभी नहीं मिलेगी। हुकुम चंद जैन और मुनीर बेग को साथ लाया गया। हुकुम चंद जैन को उनके मजहब के खिलाफ जिंदा दफना दिया गया और मुनीर बेग को उनके मजहब के खिलाफ चिता पर जिंदा जला दिया गया। मोतिहारी के लोगों, हमारे बीच एक ऐसा इंसान है जिसने गांधी जी की जान बचाई। इस इंसान का नाम बटक मियां अंसारी है। बटक मियां अंसारी को यह काम सौंपा गया था कि वो गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह के दौरान दोनों टाइम खाना खिलाते रहे। अंग्रेजों ने बटक मियां अंसारी के सारे परिवार को एक साथ किडनैप कर लिया और उन पर यह दबाव बनाया कि बटक मियां अंसारी गांधी जी के खाने में पॉइजन मिला दे। बटक मियां अंसारी ने उनके दबाव में जब ये कदम उठाना चाहा तो ऐन गांधी जी के निवाला तोड़ने से पहले बटक मियां अंसारी ने उनके हाथ से छीन कर वो डिश फेंक दी। जब गांधी जी ने पूछा तो रोने लगे, कहा अंग्रेज उद्योगपतियों ने कल मेरे बच्चे की लाश भिजवाई है, अगर आज मैंने आपको पॉइजन नहीं दिया तो एक और परिवार से ऐसा होगा जिसकी लाश मुझे भिजवा दी जाएगी। बटक मियां अंसारी ने अपने परिवार की परवाह बिना किए गांधी जी के हाथ से वो पॉइजन भरा कटोरा छीन कर फेंक दिया। ए मोतिहारी के लोगों, मैं उस वक्त वहां मौजूद था और मैं आज आपके बीच राष्ट्रपति बनकर आया हूं और गांधी जी की जान बचाने वाले इस बटक मियां अंसारी को उसके एवज में 50 एकड़ जमीन मोतिहारी में देना चाहता हूं। ये जिसकी स्पीच का टुकड़ा है वो हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद थे, जिन्होंने 1950 में बटक मियां अंसारी को जमीन का 50 एकड़ का टुकड़ा देना चाहा। बटक मियां अंसारी को वो 50 एकड़ जमीन कब अलॉट की गई तो लिखा है 1957 लग गए जमीन को अलॉट करते करते, तब तक बटक मियां अंसारी इस दुनिया में नहीं रहे। मपीला ये वर्ड है केरला के मुसलमानों के लिए। आप ये जानते हैं कि मुसलमान इन्होंने इंडिया में दाखिल अफगानिस्तान की साइड से नहीं हुए, अब रिसर्च ने ये साबित कर दिया है कि पहले मुसलमान केरला में आए थे। और इंडिया की सबसे पुरानी मस्जिद जब भी आप विकिपीडिया पर टाइप करेंगे तो वो केरला में मिलेगी, अफगानिस्तान में नहीं मिलेगी। अफगानिस्तान केरला के इन मुसलमानों को मपीला मुसलमान कहा जाता है, मपीला मुसलमान। इन मपीला मुसलमानों ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेने के बाद अंग्रेजों ने इन्हें बहुत जोर से कुचला, इतने जोर से कुचला कि क्या आप में से कोई बता सकता है जलियांवाला बाग में जनरल डायर की गोलियों से मरने वाले लोग कितने थे? 379। जलियांवाला बाग आता है आज भी, ये नाम आता है तो क्या आप इज्जत से हाथ बांधकर खड़े नहीं हो जाते? 379 निहत्थे औरतें, बच्चों और बूढ़ों पे गोलियां चलाई गई थी जलियांवाला बाग में। हम वो जब भी आता है हमारी आंखों में आंसू आ जाता है। आइए हिस्ट्री ले चलूं। लिखने वाले ऑथर ऐसे हैं जिनकी हिस्ट्री की किताबें कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई जाती हैं, नाम बिपिन चंद्रा है। चैप्टर है 17th चैप्टर, उसका नाम ही मपीला रेबेलियन है। मपीला रेबेलियन में लिखते हैं कि
अंग्रेज मपीला मुसलमानों को गांधी जी का साथ देने के लिए 1921 में ये कीमत चुकानी पड़ी कि अंग्रेजों के रिकॉर्ड के मुताबिक 2337 मपीला मुसलमानों को फांसी दी गई। मैं इनके जो लीडर थे उनका नाम था हाजी कुन मोहम्मद, मैं उनसे मिल चुका हूं। उन्होंने बताया है कि गैर सरकारी रिकॉर्ड में 45,404 मपीला का नाम है। लोगों, इसमें एक जगह थी बिल्लारी ट्रेन ट्रेजेडी। इस बिल्लारी ट्रेन ट्रेजेडी में यह हुआ था कि 127 मुसलमानों को, क्रांतिकारी मुसलमानों को, बिना खिड़की वाली एक वैगन में भरकर थिरूर से बिल्लारी भेजा जा रहा था। बिना खिड़की वाली इस वैगन, छोटी सी वैगन थी, उसमें 127 मुसलमान भरे हुए थे। बीच का एक स्टेशन कोइंबटूर पहुंचते पहुंचते 70 मुसलमानों ने दम तोड़ दिया। और इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है इनटॉलरेबल सफोकेशन, यानी असहनीय घुटन के वजह से ये मौत हुई। आखिरी इंसान जिसके बारे में मैं आज आपको बताना चाहूंगा वो अशफाकुल्ला खान थे। ये अशफाकुल्ला खान एक बेहतरीन क्रांतिकारी थे। काकोरी में चंद्रशेखर आजाद और रामप्रसाद बिस्मिल का साथ देने की वजह से पहले इन्हें अंडमान निकोबार के काले पानी की सजा हुई और बाद में वहीं सूली से लटका दिया गया। अशफाकुल्ला खान से मिलने जब उनका परिवार पहुंचा तो वो बेतहाशा रोने लगा और परिवार उत्तर प्रदेश में मिलने पहुंचा एक दिन पहले जब उन्हें काले पानी भेजा जा रहा था। अशफाकुल्ला खान ने उनके बहते हुए आंसुओं को देखा और देखकर आंसू पोंछते हुए कहा, ए मेरे घर वालों, तुम इन आंसुओं को रोक लो, क्या तुम्हें इस बात की खुशी नहीं है कि हर साल जब आजादी का दिन आएगा तो राम प्रसाद बिस्मिल, कन्हैया लाल और खुदी राम बोस के साथ उसी सांस में तुम्हारे भाई अशफाकुल्ला खान का भी नाम लिया जाए। गांधी जी से पूछा गया डांडी मार्च के वक्त, कहा, गांधी जी, अगर अंग्रेज आपको डांडी मार्च पूरा होने से पहले गिरफ्तार कर ले तो आपकी जगह कौन लेगा? इतिहास में नाम दर्ज है, गांधी जी ने कहा, अगर डांडी पहुंचने से पहले मुझे अंग्रेज सरकार गिरफ्तार कर ले तो मेरी जगह अब्बास तैयब जी लेंगे। और गांधी जी कहते हैं, अब्बास, देखना जब मैं जेल चला जाऊं तो तुम्हारे मुट्ठी से नमक ना छूटे। 1932 में गांधी जी को नमक आंदोलन के लिए अरेस्ट किया गया तो हजारों की तादाद में पठान निकलकर आए और खड़े हो गए। इतनी हजारों की तादाद देखकर अंग्रेज डर गए और अंग्रेज पेशावर से भाग गए। दो दिन बाद वो गढ़वाली रेजिमेंट लेकर लौटे तो किस्सा खानी बाजार में सारे के सारे पठान टस से मस नहीं। गढ़वाली रेजिमेंट से कहा, इन पर गोलियां चलाओ। गढ़वाली रेजिमेंट के जवानों ने बंदूकों को लोड किया, देखा सबसे सामने की सफ में पठानों के बच्चे लगे हुए हैं और उन बच्चों के बीच उनका लीडर खड़ा था। उसका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। अंग्रेज ने कहा कि ये खान अब्दुल गफ्फार खान, हथियार तो पठानों का जेवर होते हैं, तुम्हारे हथियार कहां है? कहा, हमने गांधी से वादे के चलते अपने जेवर को उतार के फेंक दिया। कहा, गांधी से वादा किया है, हथियार तो छोड़ो, हाथ तक नहीं उठाएंगे। ये फोटो, वहां जमा लोगों की फोटो आज भी गूगल और विकिपीडिया पे मौजूद है। सामने की दो सफ में बच्चे खड़े हैं और पीछे हजारों की तादाद में पठान खड़े। फिर अंग्रेजों गढ़वाली रेजिमेंट ने अपनी बंदूकें लोड की, इससे पहले गोली चलाती गढ़वाली रेजिमेंट ने बंदूक ये कहकर फेंक दी, हमारे देश में एक जलियांवाला बाग काफी है, निहत्तों पे हम गोली नहीं चलाएंगे। अंग्रेजों ने खुद साख्ता बंदूकें उठाई, 207 लोग मारे गए। आप जानते हैं भारत सरकार ने उन्हें क्या इज्जत दी है खान अब्दुल गफ्फार खान को? मरणोपरांत यानी मरने के बाद भारत रत्न पुरस्कार से सवारा। खान अब्दुल गफ्फार खान का टाइटल है सीमा अंत गांधी यानी फ्रंटियर गांधी। उनको जो प्लाक मिला था भारत रत्न पुरस्कार, ये जो इंडिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है, उन्हें दिया गया जबकि वो अफगानी थे, पर अफगानिस्तान उस वक्त इंडिया का हिस्सा था। उस प्लाक में से मैं पढ़ता हूं, उस प्लाक पे भारत सरकार ने क्या लिखा है। उस प्लाक में ये लिखा हुआ है कि किस्सा खानी बाजार के दिन
अपनी बहादुरी, दिलेरी और गांधी जी से चलते वादे के मुताबिक हिंसा के विरोध में अपने हथियारों को फेंक देने की वजह से और 90 साल की अपनी जिंदगी में से 45 साल जेल में गुजारने की वजह से सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत सरकार भारत रत्न से नवाज। डीएनए ये एक न्यूज़पेपर है जो मुंबई में निकलता है, इसके आफ्टरनून एडिशन को टाइप करिए, उस पर लिखिए मीर उस्मान अली डीएनए, गूगल पे टाइप करके जैसे ही आप एंटर करेंगे अखबार की ये पेपर कटिंग खुलेगी जिसमें लिखा है 1965 में पाकिस्तान से हो रही लड़ाई के वक्त इंडिया के पास पैसे की कमी पड़ गई थी तो भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने ये अपील करी थी और अपील कर ये कहा था कि ये लोगों आगे बढ़कर चंदा दो नेशनल डिफेंस फंड में। मीर उस्मान अली ये उस समय हैदराबाद के निजाम थे, उनसे जब लाल बहादुर शास्त्री की अपील को सुना तो उन्होंने फोन किया लाल बहादुर शास्त्री से, कहा सर आई वॉन्ट टू मीट यू, आप हमारे हैदराबाद में आइए। कहा देखते नहीं वार चल रहा है। कहा सर उसी के जिम्मन में मिलना है, मेरे पास फोटो मौजूद है, आप असरा के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, मैं आपको वो फोटो फॉरवर्ड करता हूं। लाल बहादुर शास्त्री हाथ मिलाते हुए मीर उस्मान अली से, क्या आप जानते हैं 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई के लिए इंडिया के इतिहास का सबसे बड़ा चंदा दिया गया था, 2015 तक वो रिकॉर्ड टूटा नहीं है, इंडिया का सबसे बड़ा चंदा मीर उस्मान अली ने 5000 किलो सोना दिया था, 5 टन सोना लाल बहादुर शास्त्री के हवाई जहाज में बेगम पेट एयरपोर्ट हैदराबाद में लादते हुए फोटो डीएनए अखबार ने छापी है। और इस रिपोर्ट को अप्रैल की 13 तारीख 2015 को द हिंदू नेशनल अखबार है उसने फ्रंट पेज पर इस हेडिंग के साथ छापा है, क्लोज फिस्ट ओपन हैंडेड मीर उस्मान अली, 5 टन यानी 5000 किलो सोना, ये वो चंदा है जिस चंदे को आज तक किसी ने क्रॉस नहीं किया, ये इस देश की हिफाजत के लिए दिया है। लोगों पढ़ लो, अगर नहीं पढ़ोगे तो कभी नहीं जान पाओगे कि जय हिंद ये नारा लिखने वाला आंध्र प्रदेश के एक मुसलमान थे, उनका नाम मुहियुद्दीन हसन हक था। लोगों पढ़ लो, नहीं पढ़ोगे तो कभी नहीं समझ पाओगे कि जिस प्लेन क्रैश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मारे गए उनके साथ मरने वाले कर्नल हबीबुर रहमान थे। लोगों पढ़ लो, अगर नहीं पढ़ोगे तो कभी नहीं जान पाओगे कि तुम्हारे बुजुर्गों ने क्या क्या इतिहास में लुटाया है। किसी और की कोई गलती नहीं है, उल्टा मुसलमान कौम को हिंदू कौम का कर्जदार होना चाहिए कि हमारी हिस्ट्री को उन्होंने किताबों में बचा कर रखा, हमने अपनी हिस्ट्री के लिए कुछ नहीं किया। वक्त काफी हो चुका है, मैं इस बात को अपनी यहीं खत्म करता हूं और प्रोग्राम के बाद मैं घर नहीं जाने वाला, मैं यहीं बैठा हूं, आप आके मुझसे ये सबूत देख सकते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत शुक्रिया।